अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ टैक्सिला म्यूज़ियम बच्चों के साथ। आप लोगों को याद होगा एक पहले वीडियो में यू नो अरम बिफोर वी केम टू पाकिस्तान, इससे मैंने प्रॉमिस किया था कि रूइंस यू नो आई विल शो हिम सम रूइंस। तो यहाँ पे पिंडी के पास ही यू नो ऑन द वे टू पेशावर देयर इज अ म्यूज़ियम, टैक्सिला म्यूज़ियम, और यहाँ पे सारा ना गंधारा सिविलाइजेशन के रूइंस भी हैं। ठीक है, तो पहले द प्लान इज़ कि फर्स्ट वी विल यू नो विजिट द म्यूज़ियम, उसको थोड़ा सा टूर वगैरह करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट नो वील गो टू द रूइंस। सो स्टे ट्यून्ड। ये आप बता रहे हैं कि ये कॉफी है? जी सर। इसको क्या नीचे सात जमीनें, ऊपर सात आसमान, तो सब सात जमीनें और सात आसमान। अच्छा अच्छा, देखा यहाँ पे अभी आप लोग खड़े हैं। सबसे पहला कदीम शहर है बिड़मुन के नाम पर, श्री कप सिटी है, जंडियाल है, श्री सुख और मोरा मरादू में सर ये स्टूपा पड़ा है फेक से। जी हम भी जाएंगे सर। 5 किलोमीटर दूर जूलिया यूनिवर्सिटी है, सामने खानपुर डैम में डैम अभी ना पहले हर हो रहे वक्त जी, सरदा का पहाड़ है, अमरगला सात सोमाबाद, जितनी चीज़ें देखेंगे इन जुगों से मिली 1913 में। टैक्सिला 3 दफ़ा हो चुका, 3 दफ़ा बाद इसका ओल्ड नाम था टैक्सिला। ये लास्ट जितना भी है ये बिल्जियम का लगा, वुर्जुना ये बर्माटिक, ये छत देखा ये फर्स्ट टाइम है पाला चोटी इसके बर्माटिक लगी। ये अंग्रेजों ने बनाया था? जी अंग्रेजों ने। थैंक यू। ये दिस इज द मैप ऑफ दिस प्लेस, ये रेड में आप देख रहे हैं सारी साइट्स हैं। अच्छा ठीक है, ये सारा एरिया जो है ना, ये जो खानपुर डैम है वो बता रहे थे इस तरफ, और ये पीछे इवन इस्लामाबाद मरगला जो हिल है ना वहाँ तक ये कनेक्टेड है सारा। इनफैक्ट यहाँ से रूट जाता है जो किसी का नथे गली वगैरह भी जाता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल दिस प्लेस यू नो हैज़ दिस हिस्ट्री, जहाँ पे गंधारा सिविलाइजेशन आबाद थी, ग्रीक्स भी आए थे यू नो, और ये कई बार यू नो लाइक द गाय वो सेम, ये कई बार बना और दोबारा टूटा ना ये। So there is a lot of heritage here. Thank you.
जी गाइस, तो आपने देखा वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इस पर. यू नो व्हाट आई ट्राइड वाज के मैं एक फ्लो में कैप्चर करूं एंड सम डिटेल्स एज मच एज आई कैन, बिकॉज फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. तो व्हाट वुड बी बेस्ट, अगर आपके यहाँ चक्कर लगता है तो आपने डिटेल में हिस्ट्री पढ़ें हर आइटम की, तो दैट वुड बी मच मोर इंटरेस्टिंग. खैर एनीवेज, अच्छा कैप्चर किया. मैंने खुद कभी इतनी डिटेल में म्यूजियम नहीं देखा इससे पहले. एक बार मैं आया था व्हेन आई वाज इन क्लास 3, तो वो चेंज हो गए काफ़ी. तो अभी जाएंगे यू नो टू सम ऑफ द साइट्स जहाँ से ये रिलिक्स मिले हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं, उसके ज़रा और यू नो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. स्टे ट्यून्ड.